तो देखो, लास्ट आपने जो लिखा था मेन फंक्शन वो था स्टेबलाइजेशन का, ठीक है। और उसमें हमने ये लिखा था कि गवर्नमेंट का जो तीसरा और आखिरी फंक्शन है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि डिमांड और सप्लाई बराबर रहे, या हमारी लेबर जो है वो फुल एम्प्लॉयड रहे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने ये लिखा था कि दो तरह से स्टेबिलिटी हो सकती है, या तो मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, या फिर फिस्कल पॉलिसी जिसमें सरकार अपना एक्सपेंस करती है, खर्चा करती है मेनली, तो है ना। बाकी स्टैगफ्लेशन भी एक प्रॉब्लम थी हमारे देश में, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। बाकी मैंने आपको फिर एक अच्छा पॉइंट ये बताया था कि स्टेबलाइजेशन थोड़ा और मुश्किल हो जाता है कॉन्टैजियन इफेक्ट की वजह से। कॉन्टैजियन इफेक्ट ये था कि हम विदेशों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो इस वजह से फिर मतलब कहीं ना कहीं हम स्टेबल नहीं रह पाएंगे। बाकी ये सब स्टेबलाइजेशन के फंक्शन थे, ये छोटी मोटी बातें। फिर कोविड का सिनेरियो आपको याद करवाया था, जिसमें आपने फिर कहा कि आरबीआई ने भी रेट कट्स कर दिए थे और सरकार ने भी अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए थे, तो दोनों ही चीज़ों में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए मतलब सोचा गया था, है ना। और बाकी फिर रिचर्ड ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, फिस्कल फेडरलिज्म, जिस पर हमने एक अच्छी चर्चा कर ली थी कि जो भी फंक्शंस होते हैं इकोनॉमिक, या जो भी मतलब रिसोर्सेज होते हैं, वो हर लेयर ऑफ द गवर्नमेंट के पास डिवाइडेड होते हैं। तो सेंट्रल के पास भी और स्टेट के पास भी, और दो फंक्शंस सेंट्रल को करने चाहिए और एक फंक्शन स्टेट को करना चाहिए, ये रिचर्ड ने कहा था। बाकी आर्टिकल 246 जो है वो यूनियन को भी और स्टेट को भी और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को शक्तियाँ देता है कि भाई आप कर सकते हो। बाकी हमने टैक्सेस की लास्ट पॉइंट जो थी वो लिख ली थी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगाते हैं। तो अब इसी के जस्ट आगे से अगले स्टार से कंटिन्यू करना, जो इसी का मतलब कंटिन्यूएशन ही है वैसे तो, टैक्सेस को लेकर ही। तो अब लिखो मेरे साथ। आर्टिकल 268 281 आर्टिकल 268 281 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग स्टेट। आर्टिकल 268 टू 281 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग स्टेट। तो इसका मतलब है कि किस राज्य को कितना मिलेगा, इस बात के भी प्रोविजंस बना रखे हैं आर्टिकल 268 से लेकर 281 तक। अलग अलग नियम है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप पढ़ सकते हो, किताब में दे रखे होते हैं, लेकिन वैसे रेलिवेंट आपके लिए एग्ज़ाम के लिए कम है, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हो एक बार को। तो उसमें किस स्टेट को कितना हिस्सा मिलेगा, इस बारे में अलग अलग नियम बना रखे हैं, है ना। तो यही लिखा है कि आर्टिकल 268 टू 281 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग स्टेट। तो जैसे मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, देखो जब मान लो हमारा देश में कुछ टैक्स का कलेक्शन हुआ लेट से, है ना, और जो हमारी केंद्र सरकार है, या मतलब सेंटर मान लेता हूँ, उसने बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा करा, तो आपको पता है कि भाई वो बहुत सारा जो रेवेन्यू सेंटर इकट्ठा भी करती है, तो उसमें से स्टेट्स का एलोकेट किया जाता है कि भाई स्टेट्स को कितना मिलेगा, है ना, उनको अलग देने के लिए अलग निकाला जाता है। और फिर उन स्टेट्स में से भी भाई खूब सारे स्टेट्स हैं, तो किस स्टेट को कितना मिलेगा वो भी एलोकेशन मतलब की जाती है। तो उन सब के क्राइटेरियाज़ हैं वो सब, तो खैर रूल्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक मॉडल हमें पता होना चाहिए, राइट। तो अब देखो इसी मॉडल में एक बड़ा ही अच्छा अगला स्टार पॉइंट है, वो आपको लिखना है। इसका नाम है फाइनेंस कमीशन, ये आप हाईलाइट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब वर्ड्स हैं, एमसीक्यू में पूछता है
फाइनेंस कमीशन फैसिलिटेट सच ट्रांसफर्स मतलब ये वाले जो ऊपर आपको समझा है, फैसिलिटेट सच ट्रांसफर्स कि भाई जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट को भी मिलेगा, इन सब ट्रांसफर्स को कौन फैसिलिटेट करता है? फाइनेंस कमीशन। आपने प्लानिंग कमीशन का नाम सुना है? प्लानिंग कमीशन सुना होगा, है ना, इंडियन इकोनॉमी जब पढ़ी होगी। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन तो फिर ख़त्म हो गया था, ये भी पता है आपको, उसकी जगह नीति आयोग आ गया था, है ना, रिसेंट में। तो जो काम प्लानिंग कमीशन कर रहा था वो प्लान्स बनाता था देश के लिए। तो ऐसी एक और ये संस्था कह लो जो बनाई गई, इसका नाम था फाइनेंस कमीशन, और ये डिसाइड करता है, ये रूल्स बनाता है और ये फैसिलिटेट करता है कि भाई कितना रेवेन्यू मतलब सेंटर स्टेट्स को देगा और अलग अलग स्टेट्स को किसको कितना देगा, ये सब काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। तो इसके बारे में मतलब हम लिख लेते हैं एक दो छोटे पॉइंट्स, मतलब फाइनेंस कमीशन के बारे में एरो डाल के। पहली बात आप लिख लो कि भाई इट मेक्स रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट एज वेल। तो सोचो ये देश के राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस भी भेजता है। फाइनेंस कमीशन का काम है इट मेक्स रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट एज वेल। दूसरे एरो में लिख लो 15th फाइनेंस कमीशन, भाई बदलते रहते हैं हर 3-4 साल में। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये तारीख आपसे पूछ लेता है कि क्योंकि जो आपके लिए भी रेलिवेंट है वो यही वाला है, तो वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ बताओ? 27 नवंबर 2017। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 27 नवंबर 2017। फिर इसी में तीसरा एरो डाल के वो भी लिख लो फाइनेंस कमीशन के बारे में कि फाइनेंस कमीशन ऑल्सो कंसिडर इशूज रिलेटेड टू, और डैश डाल के ए वर्टिकल इक्विटी, और 3 लाइन छोड़ के बी हॉरिजॉन्टल इक्विटी, वर्टिकल इक्विटी और 3 लाइन छोड़ के हॉरिजॉन्टल इक्विटी। तो बताओ ये क्या होता है, वर्टिकल इक्विटी या हॉरिजॉन्टल इक्विटी? तो लिखो वर्टिकल इक्विटी में डैश डाल के शेयर ऑफ ऑल स्टेट्स इन रेवेन्यू कलेक्टेड बाय सेंटर। इसमें आप ऑल स्टेट्स को अंडरलाइन कर लेना या ब्लॉक बना लेना, शेयर ऑफ ऑल स्टेट्स इन रेवेन्यू कलेक्टेड बाय सेंटर, यानी कि सेंटर जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उसमें से सारे स्टेट्स का जो शेयर है, इसे वर्टिकल इक्विटी बोल देते हैं। बस टर्म थोड़ा सा स्पेशल है, बाकी मीनिंग आप समझ लो इजी है कि भाई सेंटर को जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसमें से राज्यों को कितना मिलेगा, स्टेट्स को कितना मिलेगा, उसको बोलते हैं वर्टिकल इक्विटी। तो मान लो सेंटर के पास, ऐसी लिख रहा हूँ, 100 रुपये कलेक्ट हुए और उसमें से सभी स्टेट्स को मिलेगा 25, तो इस चीज़ को क्या बोल दिया? वर्टिकल इक्विटी। लेकिन अब बताओ इतने सारे स्टेट्स को 25 मिलेगा तो महाराष्ट्र को कितना मिलेगा बताओ, उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा पॉपुलेशन वाइज? तो ऐसा तो आप सोच रहे हो, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं ना कि भाई किस हिसाब से किस स्टेट को कितना मिलेगा। हाँ, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी, यानी कि एलोकेशन अमंग स्टेट्स, कि किस स्टेट में अब कितना एलोकेट करेंगे उस कार्यक्रम को या उस चीज़ को कह दिया हॉरिजॉन्टल इक्विटी। तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब हो गया एलोकेशन अमंग स्टेट्स, कि भाई किस स्टेट को कितना देना है। वो भी हम लिखेंगे, क्राइटेरिया होते हैं इसके भी कि भाई किस स्टेट को कितना देना है, उसके भी क्राइटेरियाज होते हैं अलग अलग,
लेकिन फिलहाल आप ये लिख लो, ठीक है? तो क्लियर हो गई कहानी? तो ये बेसिकली फाइनेंस कमीशन में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक मतलब पॉइंट है फाइनेंस कमीशन। उसके बाद अगला सितारा, अगले सितारे में लिखना है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ब्रैकेट में ऑफ यूनियन, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ यूनियन। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ यूनियन का मतलब सेंटर, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपल भाषा में। तो मतलब आप समझ लो कि सेंटर के पास जितना भी ग्रॉस रेवेन्यू आ रहा आया सब मिला मुलू के, तो उसमें से जनरली जितना सेस का पैसा होता है, सी ई डबल एस सेस और आगे ई एस लगा देना, मतलब सेसेस। तो सेसेस क्या होते हैं? सुना होगा, बिल्कुल पढ़ाया जाता है आपको, एजुकेशन सेस। सर हमने तो ये भी नहीं सुना। तो खाली सेस वर्ड का मतलब लिख लो, सेस का मतलब टैक्स ही होता है एक तरह से, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे कुछ सालों पहले सरकार ने एजुकेशन सेस लगाना शुरू करा, मतलब एजुकेशन टैक्स लगाना शुरू करा, तो आपसे 1% लेती है वो सरकार टैक्स का, और वो ये कहती है कि इस पैसे को हम एजुकेशन में यूज़ करेंगे, तो इसको नाम देते हैं एजुकेशन सेस। तो वो सेस वर्ड हो गया, तो ये टैक्स ही मतलब होता है सेस का। लेकिन जितने भी सेसेस होते हैं या जितने भी सरचार्जेस होते हैं, ये भी एक टैक्स का ही रूप होता है। और भी इधर उधर के जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, उन सबको नेट ऑफ करने के बाद जो बचा उसे क्या कहते हैं? नेट डिविजिबल पूल, नेट डिविजिबल पूल, इसे घर में मम्मी बुलाती हैं NDP। ये भी टैक्स होते हैं, बस नाम अलग है। सरचार्ज, सरचार्ज जो होता है वो बहुत अमीर लोग जो हैं तक्ष की तरह, उन पर सरकार कहती है कि भाई आप इतने अमीर हो, इतने अमीर हो, आपसे तो हम 5% एक्स्ट्रा और टैक्स लेंगे, तो उसको सरचार्ज कह दिया। हाँ इनकम वाइज, हाँ तो तुम्हारे जैसे लोग जो अपना लैम्बोर्गिनी में आते हैं उन पर भी लगाते हैं। तो मतलब बस ये तो टर्म्स हैं, लेकिन हैं भी ये सब अलग अलग प्रकार के टैक्सेस ही हैं। तो इन्हें सरकार मतलब अपने पास हटाकर जो बचता है ना पैसा, उसको कहते हैं नेट डिविजिबल पूल। तो बेसिकली उस नेट डिविजिबल पूल में से ही कुछ पैसा स्टेट्स को दिया जाता है। तो ऐसे बना लेते हैं सम शेयर टू स्टेट्स, तो NDP में से ही राज्य सरकारों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा। तो ये जो सेस हो गए, सरचार्ज हो गए, नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो गए, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रख लेती है। और फिर NDP में जितना पैसा बचा, यानी पूल में जितना भी नेट डिविजिबल पूल जो है, इसमें से कुछ हिस्सा किसको दे देगी? राज्यों को। और बाकी बचे हुए पैसे बताओ किसको मिलेंगे? हाँ वो अपने पास रख लेगी, तो रिमेनिंग विद सेंटर ओनली, वो बचे भी अपने सेंटर अपने पास ही रख लेगा। नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको पैराग्राफ में ना लिखवाने की बजाय इसीलिए इंटरेस्टिंग बनाया। वो स्टेट्स में ही आ, मतलब लिखते स्टेट्स हैं लेकिन वो भी उसी में कवर। हाँ तो आपसे इसमें खैर NDP की फुल फॉर्म पूछ लेता है, लेकिन या फिर वो ये पूछ लेता है कि स्टेट्स को जो शेयर दिया जाता है तो किस में से दिया जाता है, तो आंसर होगा NDP। तो हम NDP निकाल कर फिर उसमें से हिस्सा स्टेट्स को देते हैं, और ये काम भी वैसे फाइनेंस कमीशन ही कर रहा होता है। इसी तरह एक और चीज़ दिखाते हैं, और ये सब चीज़ें ना फेडरल फिस्कल फेडरलिज्म को शो कर रही हैं। ये सब बातें देखो क्या शो कर रही हैं, जितनी आप अभी लिख रहे हो सब में आप देख रहे हो कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल की बात हो रही है, स्टेट और सेंटर की बात हो रही है, अलग अलग सरकारों की बात हो रही है। तो ये एक्चुअल में क्या शो कर रहे हैं सारे पॉइंट्स? फिस्कल फेडरलिज्म, कि भाई जो रिचर्ड ने कहा
कि सरकार के पास जो भी शक्तियां हैं या जो भी नीतियां बनाती है या जो भी टैक्स होता है या कुछ भी, वो स्टेट और सेंट्रल सभी के पास होता है। तो ये सारे पॉइंट्स वही हैं, ये सभी में होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री में ऐसा तो नहीं होता ना कि खाली एक ही गवर्नमेंट बस ऊपर से काम कर रही है। छोटे छोटे राज्यों की या छोटे छोटे टेरिटरियों की भी तो कुछ ना कुछ लोकल बॉडीज़ होती हैं ना, तो सब जगह ये काम होता ही है। इसी तरह देखो एक और उदाहरण है, अगला स्टार है GST, इसके बारे में भी लिखते हैं थोड़ी सी बात। तो GST में भी देखो, आपको अगर याद हो अकाउंट्स में सिखाया था मैंने, तो जो तीन मेजर टाइप्स होते हैं क्या क्या, CGST, तो ये तो कौन रखता है, सेंट्रल, SGST ये कौन रखता है, स्टेट, और IGST यानी इंटीग्रेटेड GST, तो ये कौन रखता है, थोड़ा सा स्टेट और थोड़ा सा सेंटर। इसके रूल्स बने हुए होते हैं कि किसको कितना दिया जाएगा, तो ये आप लिख सकते हो। पहले तो तीनों के नाम लिख लो, फिर कर्ली ब्रैकेट बनाकर कुछ लिखवाऊंगा। तो CGST, SGST, IGST और कर्ली ब्रैकेट बनाकर लिखना, GST कॉम्पनसेशन इज गिवन टू स्टेट टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ GST। ये बात आपको याद रखनी है, अभी और बातें भी खैर इसमें बताऊंगा, लेकिन ये एक बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ी ही अच्छा पॉइंट है एग्जाम के लिए। कि जब ये GST लागू किया गया, तो शायद आप तब छोटे होंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ, जितने भी स्टेट्स थे वो काफ़ी मना कर रहे थे, उनको दुख हो रहा था कि नहीं नहीं GST नहीं प्लीज़। उन्हें क्यों दुख हो रहा था, क्योंकि उनका रेवेन्यू जो है वो बहुत कम हो जाता, क्योंकि पहले सेल्स टैक्स वैट ये सब चीज़ें जो लगती थी वो स्टेट को मिल जाती थी, लेकिन GST की वजह से वो पैसा स्टेट को नहीं मिलता, सीधा केंद्र सरकार के पास चला जाता। तो इस बात की उनको कॉम्पनसेशन दी गई बाकायदा, GST कॉम्पनसेशन इज गिवन टू द स्टेट टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ GST, कि भाई आपको जो भी नुकसान हो रहा है ना रेवेन्यू में, उसकी भरपाई हम कर देंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर भी सेंटर ने बहुत सी कॉम्पनसेशन स्टेट्स को दी GST के इंट्रोडक्शन के टाइम पर, है ना। अब इसमें एक रूलिंग आई थी, वो भी लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो लिखो स्टार डाल के। इन May 2022, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव, मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें ये बोला गया कि भैया इस यूनियन के पास, मतलब सेंट्रल सेंटर और स्टेट के पास, बताओ शक्तियां बराबर हैं या कम ज़्यादा होंगी, सेंटर के पास ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हें सुधारने के लिए तक्ष, हैव इक्वल साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर्स, इन्वर्टेड कॉमास भी लगा लेना, टू मेक लॉज ऑन GST। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भैया इक्वल और साइमल्टेनियस शक्तियां हैं, यूनिक शक्तियां, वो भी स्टेट के पास भी और यूनियन के पास भी। तो GST को लेकर नियम सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकते हैं, दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट मतलब निर्देशों में दिया गया है, तो इसलिए हमने ये लिखना ज़रूरी है। इसी तरह अगली बात, अगला सितारा, फॉर 2021 टू 26
कॉमा परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट, परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस इज, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है एमसीक्यू में, एग्जाम में, क्योंकि रीसेंट जो हमारे प्लान अभी चल रहे हैं 21-26 वाले, 21-26 वाला, तो सेंट्रल के टैक्सेस में से कितने प्रतिशत पैसा राज्य को मिलेगा, बताओ, मारो तुक्का, कितने प्रतिशत पैसा सेंट्रल के टैक्सेस में से स्टेट्स को दिया जाएगा? 41%। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो 41% पैसा स्टेट का, स्टेट को दिया जाएगा सेंट्रल टैक्सेस में से, यानी केंद्र अपने टैक्सेस में से स्टेट्स को, लो जी वो कह रहा है इक्वल कैसे होता है, एक किसी लाइन में कहीं इक्वल लिखा था या 41% लिखा है तो बच्चे ने लिंक कर लिया। वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉ बनाने की शक्तियाँ बराबर हैं, हाँ वो तो लॉ बनाने की शक्तियाँ हैं, हाँ लॉज ऑन जीएसटी वो तो अलग इक्वल है, और यहाँ ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने टैक्सेस में से कितना प्रपोर्शन स्टेट्स को देगी, 41%। अरे वो कुछ और था, कुछ पढ़ते हो, कुछ समझते हो, कुछ सोचते हो, कुछ कहते हो, पहली बार तो जीवन में लाइन पढ़ रहे हो, इससे पहले ना तो आपको ये पता था कि सेंट्रल कितना शेयर देती है, वो तो आप कुछ और सोच रहे हो जो पहले पढ़ा। ये तो सिंपल ये मतलब है कि मान लो मैं ऐसा सोचो, मैं हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और मुझे 100 रुपये टैक्स मिले तो मैं स्टेट को कितने रुपये दूंगा, 41, ये मतलब। तो स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट्स को कितना शेयर देती है सेंट्रल टैक्सेस में से, 41%। ये तो अभी के प्लान की बात है ना, 21-26 में। बाकी लिख लो क्राइटेरिया फॉर, इसी के आगे लिखना डिटरमाइनिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स। अब ये बताओ 41% तो देगी, लेकिन महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, पंजाब को कितना मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके क्राइटेरियाज हैं कि भाई मान लो ये तो मैंने सोच लिया, मेरे पास मान लो 100 रुपये हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ तो मुझे सभी स्टेट्स को कितना देना है, 41, लेकिन 41 में 2 रुपये इनको दूँ, 4 रुपये उनको दूँ कि 1 रुपये इनको दूँ, किसको कितना दूँ 41 में, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो उसके क्राइटेरियाज बना रखे हैं। तो क्या हैं क्राइटेरियाज, लिख लेते हैं, इट इंक्लूड्स डैश डाल के, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, मैं आपको 6 लिखवाऊंगा जो हमारे कोर्स के अंदर हैं मेनली। तो इन क्राइटेरियाज के बेसिस पर फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे पहला हो गया इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस ये भी समझाता हूँ क्या है। दूसरा हो गया पॉपुलेशन, ये तो खैर आपको पता ही है। तीसरा हो गया एरिया, मतलब ज्योग्राफी, किसकी कितनी है, कितनी कम है, ज़्यादा है। चौथा हो गया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कि भाई किस राज्य में डेमोग्राफी कैसी है, कहीं पर लोग मरते ज़्यादा हैं, कहीं पर पानी ख़राब है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। पांचवा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण कैसा है किसी भी एरिया का, कि भाई ईस्ट जोन है बारिश ज़्यादा आती है, जंगल ज़्यादा हैं, डेजर्ट एरिया है जंगल कम है, है ना, इकोलॉजी फॉरेस्ट। और छठा टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, किस राज्य को कितना टैक्स मिल रहा है, या कितना वो फिस्कल यानी कि एक्सपेंस करती है, खर्चा कर रही है, ये सब चीज़ें। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो टैक्स आप समझ गए, फॉरेस्ट आप समझ गए, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस समझ गए, डेमोग्राफी मतलब वही इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना है, ये सब। एरिया आप समझ गए, किसका कितना एरिया है, पॉपुलेशन आप समझ गए। तो इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब है, इनकम डिस्टेंस मारो तो का नहीं, इनकम डिस्टेंस का मतलब है कि मान लो एक स्टेट है यूपी,
उसकी इनकम ऐसी लिख रहा हूँ, मान लो है 1000, और दूसरा स्टेट है जिसकी इनकम हाईएस्ट है पूरे भारत में, मान लो ऐसी कुछ भी लिख रहा हूँ एमपी, उसकी इनकम है 1600। तो इनकम डिस्टेंस का मतलब है कि भाई यूपी जो है वो हाईएस्ट से कितना दूर है बताओ, 600। तो इसको इनकम डिस्टेंस कहते हैं, इस 600 को क्या कहते हैं, इनकम डिस्टेंस। ऐसी मान लो पंजाब है, पंजाब की इनकम लेट से है 200, तो पंजाब कितना दूर है हाईएस्ट से, 1400। तो इसको इनकम डिस्टेंस कहते हैं। तो इनकम डिस्टेंस का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की इनकम हाईएस्ट वाले से कितना दूर है, तो दिस इज इनकम डिस्टेंस, है ना। तो खैर मतलब ये सब क्राइटेरियाज हो गए जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करती है, मतलब सरकार डिसाइड खुद कर लेती है कि भाई किस राज्य को कितना देना है। और इसके बाद लास्ट सितारा, बस फिर ख़त्म, फिनिश, मतलब कहानी फिनिश, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो लास्ट सितारा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ। तो जिम्मेदारियाँ भी देखो सेंटर की अलग हैं या अलग प्रकार की होंगी, और चार लाइन छोड़ के स्टेट की अलग हैं, अलग प्रकार की होंगी, है ना भाई। जिम्मेदारियाँ भी दोनों की अलग अलग होंगी। जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं फिस्कल फेडरलिज्म में कि भाई सेंट्रल अलग स्टेट अलग, सेंट्रल अलग स्टेट अलग, तो फिर जिम्मेदारियाँ भी तो अलग अलग होंगी ना, सेंटर की अलग और स्टेट की अलग। तो सेंटर की क्या जिम्मेदारियाँ हैं लिखते हैं, आओ ये रट लेना, ठीक है, इस पर MCQ डायरेक्ट आता है। तो सेंटर की जिम्मेदारियाँ हो गई डिफेंस, कॉमा फॉरेन अफेयर्स, है ना। फॉरेन अफेयर्स के लिए तो आप केंद्र को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी विदेश से बात करनी है तो, ये तो है नहीं कि भाई राज्य सरकार लगी हुई है। कॉमा फॉरेन ट्रेड, विदेशी ट्रेड में भी सेंट्रल का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कॉमा एक्सचेंज मैनेजमेंट कि भाई फॉरेन एक्सचेंज कितनी है, कैसे एक्सचेंज करेंगे, उसका पूरा मैनेजमेंट भी सेंट्रल करेगी। कॉमा मनी एंड बैंकिंग, मनी सप्लाई या उससे रिलेटेड सारी चीज़ें भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। कॉमा कम्युनिकेशन एटसेट्रा। तो मेजरली ये सब चीज़ें सेंट्रल को देखनी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ सेंटर की हैं। डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर, फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज मैनेजमेंट, मनी बैंकिंग, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। फिर राज्य को क्या देखना है चौहान साहब बताओ, स्टेट की क्या जिम्मेदारियाँ हैं में, क्या एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वो हर राज्य अपना खुद देखे। कॉमा इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हर राज्य अपना खुद देखे। कॉमा सोशल सेक्टर सर्विसेज, सोशल सेक्टर सर्विसेज में लिख लो ब्रैकेट में, क्या मतलब है भाई, सामाजिक सेक्टर, समाज के लिए जो काम करने, बताओ समाज के लिए क्या काम करने हैं, दो बहुत ज़रूरी, एजुकेशन और हेल्थ। तो ये सब स्टेट की जिम्मेदारी है कि भाई आप अपने अपने स्टेट्स में देखो कि कितने अस्पताल बनाने हैं, कितने बच्चों के लिए स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी हो गई, सोशल सेक्टर सर्विसेज, है ना। उसी तरह पुलिस सर्विसेज, ये हर स्टेट अपना खुद देखेगा भैया किसके यहाँ कितने पुलिस स्टेशन होने चाहिए। कॉमा रोड्स, कितनी सड़कें कहाँ बनानी है, ये स्टेट्स अपना खुद देखेंगे भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये स्टेट्स अपना खुद देखेंगे भाइयों, एट्सेट्रा। तो जिम्मेदारियाँ भी बटी हुई हैं, स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है। तो ये कुछ स्टेट्स की होगी, कुछ ऊपर सेंटर की होगी। तो मतलब ये बेसिकली पूरी कहानी लिखवाई है आपको इसके अंदर। तो मोटा मोटा तीन फंक्शंस थे, लेकिन स्टेबलाइजेशन फंक्शन थोड़ा बड़ा था जिसमें कहानी थोड़ी ज़्यादा है और स्पेशल पॉइंट्स भी थे, ठीक है। तो इसको आप क्लोज कर सकते हो, बाकी इसके क्वेश्चंस जो हैं उस पर चलते हैं एक लंबी गहरी सांस लेकर। और आप अपने मन में ये सोचना कि हमें सब कुछ आता है, पूरा चैप्टर हमें अच्छे से याद है, ठीक है, ऐसा सोच लें।
चलो तो क्वेश्चन नंबर वन से करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, जल्दी नहीं करेंगे, आराम से सोचेंगे समझेंगे फिर करेंगे, लेकिन समझ के। तो पढ़ो धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर वन में लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज। तो सबसे पहले दिमाग में रीडिस्ट्रीब्यूशन सोचो। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या था? हाँ, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, सेकेंड वाला फंक्शन है ना। हाँ, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज आर लाइकली टू हैव एफिशिएंसी कॉस्ट, बिकॉज कह रहे जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनकम का तो उसमें हमारी एफिशिएंसी कॉस्ट होती है। अब एफिशिएंसी कॉस्ट याद है आपको, एक पॉइंट में सिखाया था, एक ऐसा लिखा था ना, इक्विटी वर्सेज एफिशिएंसी, या एफिशिएंसी वर्सेज इक्विटी, याद है क्या सिखाया था उसमें? इक्विटी मैंने कहा था अगर इक्विटी करोगे ज़्यादा तो उससे फिर मतलब गरीबों की भलाई होगी, लेकिन उससे फिर आपके अमीर लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो अमीर लोगों के नाराज़ होने को ही हम कहते हैं एफिशिएंसी कॉस्ट। याद आ गया? एफिशिएंसी कॉस्ट का मतलब है कि अमीर लोग थोड़े खफा हो गए कि भाई नाराज़ हैं हम। तो वो ये कह रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की वजह से एफिशिएंसी कॉस्ट होती है बिकॉज। अब अपने आप पढ़ के ऑप्शन लगाओ दिमाग, क्यों? बिकॉज क्या लिखवाया था? एग्जैक्ट नोट्स में लिखवा रखा है, हाँ, दे मे क्रिएट डिसइंसेंटिव्स टू वर्क एंड सेव। याद है पूरी लाइन लिखवाई थी कि अमीर लोग फिर थोड़े से वो हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि भाई अब हमें नहीं करना इन्वेस्ट, हमें नहीं करना काम, हमें नहीं करना सेव। तो आप चेक करना नोट्स में, आपको डिसइंसेंटिव की वर्ड नज़र आए, है ना, डिसइंसेंटिव। तो ये था। उसके बाद सेकेंड है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मे बी अचीव्ड थ्रू। अब स्टेबलाइजेशन मेजर सोचो मन में, तो किससे अचीव करते हैं हम? डी है ना, बिल्कुल सही। उसके बाद थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज, कह रहा है इनमें से कौन सी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फुलफिल्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन सोचो मन में, बी, वेरी गुड, है ना, क्योंकि हम सब्सिडाइज्ड प्राइजेस पर पुअर लोगों को खाना दे रहे हैं। तो ये आप कीवर्ड चेक करना, ये लिखवाया था। बाकी पार्किंग द आर्मी ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, ये सब तो कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। रीडिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या है कि भाई गरीब की मदद करनी है, है ना। उसके बाद फोर्थ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलो वो तो हम पढ़ लेते हैं। पहले में तो लिखा है फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ चेंज इन टैक्सेशन या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वाइल मॉनिटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल। तो ये तो गलत हो गया, मॉनिटरी में तो ये नहीं होता। बी में लिखा है फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व यूज ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल, तो ये यहाँ गलत हो गया। सी में लिखा है फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ चेंज इन टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वाइल मॉनिटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो यही सही है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का मतलब है सरकार का टैक्स और खर्चा, और मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स। तो ये सही ऑप्शन है। उसके बाद फिफ्थ, द जस्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। कह रहे सरकार को क्यों इंटरवीन करना है, मतलब इस बात को कैसे आप जस्टिफाई करोगे सबसे बेस्ट तरीके से? दे नीड टू प्रिवेंट रिसेंशन एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, द नीड टू मॉडिफाई द आउटकम ऑफ प्राइवेट मार्केट एक्शंस, दे नीड टू ब्रिंग इन द जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या ऑल? ऑल, सारी सही है। सिक्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कौन करेक्ट है। वन में लिखा है द मार्केट जनरेटेड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज यूजुअली इम्परफेक्ट एंड लीड्स टू इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन इकोनॉमी। तो बताओ, वेरी गुड, याद है, ट्रू। सेकंड में लिखा है मार्केट फेलियर्स कैन एट ऑल टाइम्स बी करेक्टेड थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हाँ, फॉल्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार ही ठीक हो पाए। थर्ड में लिखा है पब्लिक गुड्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशेंट क्वांटिटीज इन मार्केट इकोनॉमी। कह रहा मार्केट इकोनॉमी में
पब्लिक गुड्स कम बनेंगे या सफिशिएंट नहीं बनेंगे। सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना मार्केट इकोनॉमी में मेरिट गुड्स पब्लिक गुड्स कम रहते हैं, तो 1 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए गवर्नमेंट ऑफर्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड ऑल्सो रिजॉर्ट्स टू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, विच फंक्शन, बताओ सिंपल कौन सा फंक्शन है, किसमें लिखवाए थे कीवर्ड्स की प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करती है और बेरोजगारों की मदद करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ, इसी में तो था भाई, रीडिस्ट्रीब्यूशन में ही आते हैं सब पॉइंट, अमीर गरीब वाले और प्रोग्रेसिव टैक्सेस का भी। उसके बाद 8th, गवर्नमेंट ऑफ एमएलआई लैंड डिसाइड्स टू प्रोवाइड मोस्ट मॉडर्न रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट द नेशन, ठीक है, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, सरकार सोच रही है कि सड़क बनाएंगे ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, तो कौन सा फंक्शन है, बी, बी भाई सरकार के 3 ही फंक्शन होते हैं। अब आप सोचो क्या इसमें कोई स्टेबिलिटी की बात हो रही है, प्राइस की स्टेबिलिटी की, नहीं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अमीर गरीब की बात हो रही है, नहीं, तो आप ऐसे भी तो सोचो ना, एलिमिनेशन मेथड भी तो लगाया करो ना भाई, ऑप्शन से निकालो कि कौन सा नहीं है, तो सरकार के 3 ही फंक्शन होते हैं, स्टेबलाइजेशन है नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, और वैसे भी देखो ना रिसोर्स को एलोकेट करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे सड़कें बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एलोकेशन है ना, रिसोर्स एलोकेशन। चलो 9th, द फंक्शन या विच फंक्शन डज द गवर्नमेंट परफॉर्म व्हेन इट प्रोवाइड ट्रांसफर पेमेंट टू ऑफर सपोर्ट अंडर प्रिविलेज, गरीबों की मदद, बताओ कौन सा फंक्शन, श्योर, एफिशिएंसी किस में था, ठीक है, और एलोकेशन तो पहला फंक्शन। उसके बाद 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है क्या सही है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस, वही जो अभी स्टोरी पढ़ रहे थे हम सेंटर और स्टेट वाली बातें, उनमें से कह रहा है क्या सही है, द सेंटर कैन टैक्स एग्रीकल्चर इनकम एंड मिनरल राइट्स, तो ये गलत है क्योंकि सेंटर जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं देखती, स्टेट देखती है, आप अगर चेक करोगे तो लिखा हुआ होगा स्टेट में। बी में लिखा है फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तो ये तो सही है, तो बस फिर यही सही होगा, बाकी सी और डी पढ़ लो, गलत ही होंगे फिर शक्ल से। सी में कह रहा है GST subsumes majority, वो भी गलत हो गया, और IGST is collected by state, ये भी गलत ही हो गया, तो बी ही सही दे रखा है, है ना। इसके बाद 11th है, GST compensation is given to, GST का compensation जो है दिया गया था टू, तो ये शायद अभी पढ़ाया भी था, क्यों दिया गया था GST का कॉम्पनसेशन, किसको दिया गया था, टू स्टेट्स को, और क्या कॉम्पनसेट करने के लिए, उनका लॉस जो इंट्रोडक्शन ऑफ GST के टाइम पर हुआ था। उसके बाद 12th में पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहे क्या बात सही है, तो बताओ चौहान साहब, फाइनेंस कमीशन के बारे में अभी लिखा था ना, तो पूछ रहे क्या बात सही है, सही बात बतानी है, तो बताओ सही बात क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, क्या ये बात सही है, एलोकेशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स,
मेक रिकमेंडेशन ऑन इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू रिकमेंड एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइजेशन अमंग डिफरेंट स्टेट्स. तो कौन सा आपको लग रहा है कि सही है, या क्लोजेस्ट कौन सा लग रहा है कि भाई ये बात तो पढ़ी थी वही लग रही है? पहला बिल्कुल सही है ना, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे बंटवारा होगा. और मैंने पढ़ाया भी था ना कि वो टैक्सेस के मतलब एनडीपी, एन क्या था, नेट डिविजिबल पूल, तो कितना नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बात फाइनेंस कमीशन करती है. बाकी 2, 3, 4 में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमने पढ़े भी नहीं है. 2, 3, 4 अगर आप देखोगे भी तो हमने पढ़ भी नहीं रखे, तो वो बातें सब गलत ही हैं. अच्छा, नीचे ऑप्शन दे रखा है 1 and 2 आर करेक्ट, तो अब 2 भी पढ़ना पड़ेगा फिर. 1 तो ट्रू हो गया. अच्छा, सेकंड क्या है, एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स. हाँ, ये भी तो है, ये वो हॉरिजॉन्टल इक्विटी होगी जिसमें हर स्टेट को कितना मिलेगा ये भी तय करती है. याद आ गया, हॉरिजॉन्टल इक्विटी. अब तो थर्ड भी पढ़ लो फिर. मेक रिकमेंडेशन ऑन इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नहीं, ये नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं, हमने ये लिखा है, लेकिन जीएसटी पर वो रिकमेंडेशन और खासकर आईजीएसटी को लेकर रिकमेंडेशन देती है ऐसा हमने नहीं लिख रखा, वो नहीं करती. और रिकमेंड एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइजेशन अमंग डिफरेंट स्टेट, तो ये तो गलती होगी क्योंकि एक्सपेंडिचर से इसका कोई लेना देना नहीं है. तो ये तो टैक्सेस के रेवेन्यूज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें डील करती है. तो 1 और 2 ही एप्ट हैं, 3 और 4 तो एप्ट नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, ए. ठीक है जी. उसके बाद 13th, तो धीरे धीरे पढ़ना. इन ए फेडरल सेटअप, तो फेडरल सेटअप लिखते ही समझ गए मतलब वही कहानी कि इसमें स्टेट भी है सेंट्रल भी है ना, मतलब वही फेडरल सेटअप. स्टेबलाइजेशन फंक्शन कैन बी इफेक्टिवली परफॉर्म्ड बाय. सी है ना, क्योंकि स्टेबलाइजेशन फंक्शन हमने वैसे भी पढ़ा था, किस रिचर्ड ने कहा था ना कि ये फंक्शन तो किसको करना लेना चाहिए, सेंटर का. सही. उसके बाद 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किसकी जिम्मेदारी है, फाइनेंस कमीशन, ये तो सिंपल. उसके बाद 15, फिस्कल फेडरलिज्म रिफर्स टू, रिचर्ड ने परिभाषा दी थी क्या है फिस्कल फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट. लिखवाया था एग्जैक्ट सेम कि भाई अलग अलग गवर्नमेंट की जितनी भी लेयर्स हैं सभी में इकोनॉमिक फंक्शन और रिसोर्सेज को हम डिवाइड कर लेंगे. उसके बाद 16, सोचो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिवाइड बाय स्टेट ओनली. राज्य सरकार कौन सा टैक्स लगा रही है. श्योर, वेरी गुड, क्योंकि हमने लिखा था कॉरपोरेट टैक्स भी सेंटर लगाती है, वेल्थ टैक्स भी और इनकम टैक्स भी, तीनों ही टैक्स कौन लगाते हैं, सेंटर. हाँ, बाकी टोल टैक्स दिया होता तो स्टेट है ना. उसके बाद 17th, परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस फॉर द पीरियड 21 से लेकर 26 रिकमेंडेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन इज. देखा, फायदा हो गया ना, 41%. ठीक है. उसके बाद 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटीरिया फॉर डिटरमाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस अमंग स्टेट्स फॉर 21 से 26. कह रहा है क्या क्राइटेरिया नहीं है. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस तो शायद है, लिखा था लास्ट में 6 पॉइंट्स लिखा था या नहीं लिखा था, लिखा था शायद है ना, वो देखो क्राइटेरिया लिखे हुए थे ना. फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी लिखा हुआ था,
टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स भी लिखे हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस नहीं लिखा होगा, याद है? इनकम डिस्टेंस लिखा हुआ था, है ना, एज एरिया लिखा हुआ था, पॉपुलेशन लिखा हुआ था, है ना, एरिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस नहीं था, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद 19th, तो इसीलिए नोट्स अच्छे से लर्न करके जाना, बस MCQ फंसाने के लिए काफ़ी रहेगा। अब 19th में लिखा है, एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन मई 2022, सुप्रीम कोर्ट ने बताओ क्या कहा था मई 2022 में, तो नज़र आ गया कि यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल साइमल्टेनियस पावर टू मेक लॉज ऑन GST। और लास्ट 20th, प्रोवाइडिंग सोशल सेक्टर सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन, तो हेल्थ और एजुकेशन जैसी सोशल सर्विस सेक्टर वाली जिम्मेदारी बताओ किसकी है, स्टेट, है ना, क्योंकि यही पढ़ा था कि सोशल सेक्टर सर्विसेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया अच्छे से, चलो डन डन डन।